नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण्स किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, आज मैं आप सभी को गर्मियों में लगने वाली कुछ बेल वाली सब्जियों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे आप अभी आसानी से अपने छत पर लगा सकते हो। तो पहली बेल वाली सब्जी है लौकी। लौकी लगाने के लिए आपको हाइब्रिड क्वालिटी की बीज लेनी होगी। हाइब्रिड क्वालिटी के बीज से रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। बीज सीजनल आते हैं, तो गर्मियों में लगने वाली लौकी के बीज ही लें। इसे लगाने के लिए बड़े कंटेनर या बड़े ग्रो बैग का इस्तेमाल करें और एक कंटेनर में एक ही पौधा लगाएं। इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी होगी। सीडलिंग करने के बाद 20 से 25 दिनों में इसकी पौध तैयार हो जाती है। पौधे तैयार होने के बाद इसे किसी बड़े ग्रो बैग या बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। लगाने के 50 से 55 दिनों में ये हार्वेस्टिंग दे देती हैं और हार्वेस्टिंग के बाद ये लगभग 2 महीने तक आपके गार्डन में बनी रहती है। थोड़ी सी अच्छी केयर मिले तो लगातार इससे हार्वेस्टिंग 2 मंथ तक मिलती रहती है। दूसरी बेल वाली सब्जी है कद्दू। इस समय आप कद्दू भी बहुत ही आसानी से अपने छत पर उगा सकते हो। इसके बीज भी सीजनल आते हैं, तो आप सीजनल बीज का ही इस्तेमाल करें। अच्छे रिजल्ट के लिए आप हाइब्रिड बीज ही लें। इसे लगाने के लिए बड़े कंटेनर या बड़े ग्रो बैग का ही इस्तेमाल करें और एक ग्रो बैग में एक ही पौध लगाएं। इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी होगी और सीडलिंग लगाने के बाद 20 से 25 दिनों में इसकी पौध तैयार हो जाती है। फिर आप इसे बड़े ग्रो बैग या बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। लगाने के 80 से 90 दिनों के बाद कद्दू की बेल से हमें पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती है और पहली हार्वेस्टिंग लेने के बाद 1 से 1.5 महीने तक या फिर उससे भी अधिक दिनों तक यह हमारे गार्डन में बनी रहती है। थोड़ी सी अगर अच्छी केयर की जाए तो कद्दू की बेल भी बहुत ही लंबे समय तक हार्वेस्टिंग देती रहती है और लगातार इससे हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। तीसरी बेल वाली सब्जी है करेले। अभी आप करेले भी बहुत आसानी से अपने छत पर लगा सकते हैं। करेले तीनों सीजन में लगने वाली सब्जी है और छत पर बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए हमेशा आप हाइब्रिड बीज का ही इस्तेमाल करें। इसे भी लगाने के लिए आपको बड़े कंटेनर या बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ती है, तभी जो है रिजल्ट आपके अच्छे मिलेंगे। इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी होगी और सीडलिंग लगाने के बाद इसकी पौध तैयार होने में थोड़ी सी समय लग जाती है, क्योंकि इसके बीज थोड़े लेट अंकुरित होते हैं। इसीलिए 25 से 30 दिनों में इसकी पौध तैयार होती है और जब पौध तैयार हो जाए तो इसे बड़े ग्रो बैग या बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। एक कंटेनर में आप 2 से 3 पौधे लगा सकते हो। दोस्तों, लगाने के 60 से 70 दिनों में करेले की पौध से आपको करेले की बेल से हार्वेस्टिंग मिलने लगती है और पहली हार्वेस्टिंग के बाद लगभग 2 महीने तक या 2.5 महीने तक यह हमारे गार्डन में बनी रहती है और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग लगातार देती रहती है। थोड़ी सी अच्छी केयर की जाए तो इससे भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। चौथी बेल वाली सब्जी है तोरी। अभी आप तोरी भी लगा सकते हो। तोरी भी छत पर बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है और बहुत अधिक संख्या में इसके फल लगते हैं। यह मुख्य रूप से गर्मियों में और बारिश में लगाई जाती है। इसे लगाने के लिए आपको हाइब्रिड बीज के इस्तेमाल करने होंगे। हाइब्रिड बीज से इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। इसे लगाने के लिए आपको बड़े साइज के ग्रो बैग लेने होंगे और एक ग्रो बैग में आप 2 से 3 बीज डाल सकते हैं। इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी होगी पहले और सीडलिंग लगाने के बाद इसकी पौध 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दीजिए। तोरी लगाने के बाद 40 से 50 दिनों में हार्वेस्टिंग दे देती है और लगभग यह 1.5 से 2 महीने तक हमारे गार्डन में बनी रहती है। इसकी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होती है। पहली हार्वेस्टिंग थोड़ी कम होती है, दूसरी हार्वेस्टिंग बहुत अधिक होती है। उसके बाद इसके फल धीरे धीरे कम होने लगते हैं, लेकिन 1.5 से 2 महीने तक यह बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देती रहती है।
पांचवी बेल वाली सब्जी है लोबिया, जिसे हम बरबटी भी कहते हैं। इसे भी आप अभी छत पर ग्रो कर सकते हो। यह गर्मियों और बारिश दोनों सीजन में लगती हैं। इसकी कई किस्में होती हैं, लंबी भी आती हैं, छोटी भी आती हैं। दोनों के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आप कोई सी भी लगा सकते हो। अच्छे रिजल्ट के लिए हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसे लगाने के लिए आपको 12 से 15 इंच के गहरे कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। और इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी होगी, और शेडलिंग 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हो। इसे लगाने के 45 से 50 दिनों में इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती है, और इसके फल जो है इस तरह से गुच्छों में बनते हैं, और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग होती है। और लगातार इसकी हार्वेस्टिंग लगभग आपको 1 से 1.5 महीने तक मिलती रहती है, और यह हमारे गार्डन में बहुत ही लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसे ज़रूर लगाएं। छठी बेल वाली सब्जी है ककड़ी। यह भी बहुत ही आसानी से छत पर ग्रो हो जाती है, और गर्मियों में तो हमें इसे लगाना ही चाहिए। यह मुख्य रूप से गर्मियों की ही फसल है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप हाइब्रिड बीज का ही इस्तेमाल करें, और इसे लगाने के लिए बड़े कंटेनर जिसकी गहराई लगभग 12 से 15 इंच हो उसमें लगाइए। दोस्तों, इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी होगी। सीडलिंग 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दीजिए। लगाने के 60 से 70 दिनों में इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती है। उसके बाद यह लगभग 1.5 महीने तक हमारे गार्डन में बनी रहती है, और इससे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। सातवीं बेल वाली फसल है खीरा। अभी आप बहुत ही आसानी से छत पर इसे ग्रो कर सकते हो। यह तीनों सीजन में लगाई जाती है, लेकिन गर्मियों में यह सबसे अच्छे से ग्रो करती है। इसे लगाने के लिए आपको हाइब्रिड बीज लेने होंगे, और बड़े कंटेनर या बड़े ग्रो बैग में ही इसे लगाएं, जिसकी गहराई लगभग 12 से 15 इंच की हो। इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी होगी। सीडलिंग लगाने के बाद यह 15 से 20 दिनों में इसकी पौध तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसे बड़े कंटेनर या बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दीजिए। लगाने के बाद 45 से 50 दिनों में इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती है। उसके बाद यह 1 से 1.5 महीने तक हमारे गार्डन में बनी रहती है, और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग से मिलती रहती है। तो इस सीज़न आप खीरे भी लगा सकते हो अपने गार्डन में। इससे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है, और गर्मियों के सीज़न में खीरे लगाने ही चाहिए अपने गार्डन में, तो इसे ज़रूर लगाइए। आठवीं बेल वाली फसल है तरबूज। अभी आप अपने छत पर तरबूज भी ग्रो कर सकते हो। बहुत अधिक नहीं, लेकिन शौकिया तौर पर 1 से 2 पौधे आप इसके लगा सकते हो। यह मुख्य रूप से गर्मियों की ही फसल है। इसकी भी कई किस्में होती हैं। आप कोई सी भी लगा सकते हो। ये आकार में, प्रकार में, रंग में और मिठास में एक दूसरे से अलग होती है। इसे लगाने के लिए आपको बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी होगी। सीडलिंग 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हो। दोस्तों, एक पौध में आप इसके एक ही फल तैयार होने दें, तभी आपको इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। लगाने के 80 से 90 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाती है, तो अपने छत पर आप इसे ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों, ये थी गर्मियों में लगने वाली कुछ बेल वाली सब्जियाँ। तो दोस्तों, इस सीज़न आप छत पर इन सब्जियों को ज़रूर ग्रो कीजिए, और इसका आनंद लीजिए। दोस्तों, इन्हें लगाने के लिए हमेशा बड़े कंटेनर का ही इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। दोस्तों, इसकी जड़ें जितनी मिट्टी में फैलती हैं, उतनी ही इसकी शाखाएं ऊपर विस्तृत फैलती हैं, तभी इसके रिजल्ट जो है अच्छे मिलते हैं। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि बड़े कंटेनर में ही लगाने से रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ग्रो बैग के साथ साथ मिट्टी का भी ख्याल रखें। मिट्टी भी अच्छी तैयार करें, तभी इस तरह से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।